चलो यार यहाँ से निकल जाते हैं, अब हमारा बेसमेंट में कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। पर दोस्तों गेनी एक बार मेरे हाथ लग जाए मैं इतना क्या नहीं क्या बोला तूने ये पहले क्या बोला मारूंगा नहीं यार। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ यार। तो दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं ग्रेन चैप्टर 1 के एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। आज हम एक और बार ग्रेन के भूतिया घर से कार स्क्रैप करने वाले हैं, पर हार्ड मोड में करने वाले यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तुम्हारा भाई हार्ड मोड में प्ले कर सकता है। पर यार तुम लोग कभी कभी लाइक और सब्सक्राइब भी मार दिया करो ना यार, मैं कितना बार बोलू यार, कितना बार बोलू, लाइक और सब्सक्राइब भी मार दिया करो, ठीक है। तो दोस्तों हमारा डे 1 चालू हो चुका है और हम ग्रेनी चैप्टर 1 हार्ड मोड में पहली बार प्ले करने वाले यार, क्या होता है देखते है। तो ग्रेनी कहाँ पे हो, अगर तुम सच में कोयले के खान नहीं हो तो मेरे पीछे मत आना, ठीक है। मुझे क्यों तोड़ा? मेरे पीछे आ गए तो मैं मार लूंगा कि तुम सच में कोयले के खान हो। हमें शॉटगन का लंबा वाला पार्ट तो मिल चुका है। ओ यहाँ पर बुक पड़ा हुआ है, ड्रॉअर में कुछ मिलेगा क्या है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं यार, ग्रेनी भी घर ही बन चुके हैं। यहाँ पर दूसरा शॉटगन का पार्ट था, देखे पहले ये वाले पार्ट को ठिकाना लगाते, बाद में जाकर दूसरे वाले पार्ट को भी लेकर आती। ओ यहाँ पर चेन कटर पड़ा हुआ है, तो ग्रेनी को हम यहाँ पर बुला के फंसा कर मार देंगे। यहाँ पर शोर करना पड़ेगा उसके लिए, तो मैंने कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो मत यहाँ पर ग्रेनी, तू कितनी जल्दी आ गई यार, ग्रेनी थोड़ी देर बाद आ रहा यार, तुम तो जल्दबाजी में आ पड़ी। तो कोई ना यार, हम यहाँ से निकलने वाले, तुम्हारा चेन कटर तुम ही रख लो ग्रेनी, ये लो मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। हमने यहाँ पर सड़कन का ट्रिगर को दिखा था, इसको क्या बोलते यार, जो भी बोले सड़कन का पार्टी है, तो इसे भी ले जाकर सड़कन के पास रखना पड़ेगा। तो पहली बार नहीं, पिछली बार तो हम फेल हो गए थे, पर इस बार हम ग्रेनी को मार कर ही रहेंगे। तो चलो दोस्तों हमने शोर मचा दिया है। ग्रेनी अम्मा अक्कल उठी बुड्ढी, तू कहाँ पे, जल्दी पे आओ, ये तो सच में जल्दी में आ गई। चलो दोस्तों इसका मारते थे अब, ठीक है, ये 30 सेकंड के लिए कोमा में जाने वाली है ग्रेनी, बाय बाय। तो चलो हम यहाँ से निकलते हैं। ग्रेनी 30 सेकंड के लिए सच में कोमा में जा चुकी है, तो अभी हम किचन को सर्च मारने वाले, पर लगता है किचन तो पूरा का पूरा खाली होने वाला है। यहाँ पर सड़कन के एक और पार्ट पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, बर्थसेट, बर्थसेट मुझे नहीं चाहिए यार। तो चलो हम सड़कन बनाने वाले, रे बाबा। हमने कार वाले छोटे बॉक्स को चेक नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ओ वेपन की भी मिल गया और मुझे शॉटगन भी मिल चुका है, तो अभी हम ग्रेनी का तबला बजा देने वाले बाबा। तो चलो यार ग्रेनी जल्दी से आ जाओ यार, हमने यहाँ पर शोर मचा दिया, अभी यहाँ पर ग्रेनी आने वाली है। ग्रेनी यार जल्दी से आ जाओ, हाथ में आके निकलते हैं बुड्ढी। तो चलो ग्रेनी को मैंने एक मिनट के लिए सुला दिया है, अभी हम जाके स्क्रू ड्राइवर को नीचे की तरफ गिराने वाले है। तो चलो भाई का निशाना भी देख लो यार, देखो एक ही झटके में मैंने गिरा दिया यार। तुम्हारा भाई बहुत डेंजर बंदा है, ठीक है, तुम लोग मानते नहीं हो यार, पर अब तो मान लो यार, तुम लोगों को मैंने डेमो भी दिखा दिया। हो हमें इंजन भी मिल गया यार, मेरा मतलब कार का इंजन पार्ट मिल चुका है, ठीक है। तो चलो इसे नीचे की तरफ फेंक देते, अभी हम वेपन की को लेने के लिए आए हुए दोस्तों। तो अब हम वेपन को बाहर निकालने वाले, क्रॉसबो को बाहर निकालते यार, शॉटगन से कितना बार मारूंगा यार ग्रेनी को, कभी कभी तो मैं क्रॉसबो से भी मारा करूंगा, ठीक है। पर दोस्तों क्रॉसबो से मारने से 30 सेकंड का चुना लग जाता है यार, देखो ग्रेनी आ रही थी, नहीं मैं भी फंस गया ट्रैप में। तो देखो दोस्तों ग्रेनी 30 सेकंड के लिए फिर से कोमा में जा चुकी है यार, अगर शॉटगन होता तो 1 मिनट के लिए कोमा में जाती, पर कोई ना यार, अब इस वाले कमरे में क्या मिल सकता है मुझे, ओ हैमर, दरवाजे को दामे एक झटके। मैं ओपन कर सकते थे पर हमने नहीं किया यार, चलो यार दूसरी बार ट्राई करते, मैं चाहता तो यार एक ही बार में ओपन कर सकता था, ठीक है। अच्छा पर मैंने नहीं किया ऐसा। तो दोस्तों देखो दूसरी बार में हमने इस दरवाजे को ओपन कर लिया है, यहाँ पर फ्रिज ट्रैप और हैमर पड़ा हुआ है, तो फ्रिज ट्रैप को नहीं है, देखो ग्रेनी का कुल भी बन चुका है। तो चलो इस ट्रिंगुला इधर और क्रॉसबो को लेकर ऊपर के साइड में रख देते, ठीक है। ये देखो कोयले की खान की सर, इसका सर तो बारूद का गोला देता है यार, सर नहीं चाहिए इसका सर मुझे। तो चलो क्रॉसबो को ये भी फेंक देते हैं, जाके अब हैमर को लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस फ्रिज ट्रैप को साइड में लगा देंगे, पर साइड में लगाना क्यों, इसे आगे ले जाकर ट्रैप बना देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ग्रेनी जब यहाँ पे आएगी फिर से उसका कुल्फी बन जाएगा, तो इस हैमर को लेकर ऊपर के साथ जाते। ये स्केलेटन बैठे बैठे सो रहा था, तो इसको मैंने सच में सुला दिया। अब यहाँ पर हम सुर मचाने वाले, मेरा मतलब इस जगह का प्लान को साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको साइड लगाने के बाद यहाँ पर सुर मच जाएगा यार, तो ग्रेनी यहाँ पर आएगी तो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ का काम खत्म करके निकलना। ओहो कार की तो हमें मिल चुका है डिक्की में से, मुझे वाटर मेलन मिल गया यार, बाबा तो समझेंगे, मुझे मालूम है यार इसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो इसको कट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर से कुछ खजाना मिल जाएगा तो मजा आएगा। स्पार्क प्लग, ओ इसमें से तो सच में खजाना ही मिल गया दोस्तों, अभी के वक्त में ये मेरे लिए खजाना से कम नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको फिट कर देते कार में। दोस्तों यार तुम लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं मारा तो लाइक मार दो यार, कभी कभी मारने से कुछ भी नहीं जाता, ठीक है, और सब्सक्राइब भी मार दिया। तुम लोग में से कितने लोग वीडियो को देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं मारते यार।
कुछ तरीका है भीख मांगने का? बुरा लगता है भाई दिल से, सब्सक्राइब भी मार दिया करो। ठीक है ठीक कहा है, दोस्तों यार नहीं ग्रेनी दादी आ रही है पीछे से, इसको मैं ग्रेनी दादी क्यों बोल रहा हूँ यार, ये तो कोयले के खाने, इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं भी कोयले का खान का बन जाऊंगा, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। पर मैं भागूंगा क्यों यार, मेरे पास तो सड़कर है, तो चल निकल पे गांडू। देखो ग्रेनी का तबला फोड़ दिया मेरे, मेरा मतलब ग्रेनी का सर फोड़ दिया, तो अभी शॉटगन को रिलोड करना पड़ेगा, इससे ले जाकर वहीं पे रख देंगे, बाद में फिर से काम आएगा यार। शॉटगन को तो हमने यहीं पे रख दिया, अभी जाके चेन कटर को लेकर आना पड़ेगा, इसकी मदद से हम रेंज को बाहर निकाल सकते, ऊपर वाले कमरे में रेंज पड़ा हुआ है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर रेंज पड़ा हुआ है यार, ये भी हमारे लिए खजाना से कुछ कम नहीं है, तो ये तो लॉक हो चुका है, पर इसे ओपन कर ही लेंगे यार, उतना बड़ा हार्ड भी नहीं है। ठीक है हमारा गेट तो ओपन हो चुका है दोस्तों, मेरा मतलब गेट ओपन हो चुका है। ठीक है तुम लोग गलत मत सोचना यार, रेंज को लेकर कार के सामने रख देंगे यार। ओहो कोयले का खान आ रही है, तो मुझे भागना पड़ेगा कोयले के खान, मेरे पीछे मत आओ यार, ग्रैंड पर नहीं है तो मेरे पीछे ही पड़ोगी क्या? चलो यार मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, तो शॉटगन फिर से मेरे हाथ में आ चुका है। निकल बे ग्रैनी, तुम्हारा कुछ काम नहीं यार, तुम मेरे हाथ से बार बार मरती है। पर दोस्तों ग्रैनी ने मुझे अभी तक एक बार भी नहीं पकड़ा है यार, तुम्हारा भाई अब तो प्रो बन चुका है यार ग्रैनी में भी। तो चलो इंजन को लगा देते हैं यहाँ पर और जाके रेंज को लेकर आते हैं यार, इंजन को कसना पड़ेगा, इंजन को टाइट नहीं किया तो कार चलाते वक्त इंजन गिर गया तो मेरा तो हालत बन जाएगा यार, ग्रैनी मेरा कचुमर बना देगी, तो इसलिए इसे टाइट करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने इंजन को भी टाइट कर लिया, तो अभी इसको ड्राइवर को उठा दे और यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं यार। तो दोस्तों इस वाले सेफ्टी इसको क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, यहाँ से क्या मिल सकता है मुझे, ओहो पैडलकी, ये पैडलकी की मदद से हम गैरेज का गेट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले तो हम ग्रैनी को फिर से मारने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा शोर मचाते हैं और ग्रैनी यहाँ पर आएगी तो हम ग्रैनी को फिर से बंद बना देंगे यार। ग्रैनी ग्रेन पर बुला रहा है, जल्दी से नीचे की तरफ आ जाओ। ओ नहीं आओगी क्या ग्रैनी? ओ ये तो आ गई, ग्रैन पर का नाम सुनते ही ये तो नीचे की तरफ आ गई। दोस्तों तो चलो फिर से ग्रैनी कोमा में जाने के लिए रेडी हो जाओ, ग्रैनी अभी फिर से 30 सेकंड के लिए कोमा में जाने वाली है, तो उतने वक्त में तो हम गेट ओपन कर देंगे दोस्तों। तो देखो हमने गेट को ओपन कर दिया है यार, तो अब इस ट्रैप को यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे यार, हमने ट्रैप को भी अच्छे से सेट कर दिया है, तो अभी ये बुक को ले जाकर हम सैंड्रीना के मॉम को दे देंगे और वो बदले में हमें उल्टी करके स्पाइडर की दे देगी यार। तो आंटी जी स्पाइडर की दे दो यार मुझे, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ग्रैनी देखो फिर से कुल्फी बन चुकी है, कुल्फी ले लो, 2 रुपए वाले गंदे कुल्फी ले लो। तो दोस्तों यार मैंने फिर से ट्रैप को सेट कर दिया यार, फिर से ग्रैनी वहीं पे आएगी और फिर से कुल्फी बन जाएगी यार। तो आंटी जी जल्दी उल्टी करो ना यार, मुझे की चाहिए। तो देखो ग्रैनी फिर से कुल्फी बन चुकी है, ये कितनी बार कुल्फी बनेगी यार ग्रैनी? तो फिर से कुल्फी बन जाओगी क्या? फिर से ट्रैप को यहीं पे सेट कर देते हैं यार, ग्रैनी कितनी बार कुल्फी बनोगी तुम यार, मुझे तो तुम्हारे ऊपर दया आ रहा है। तो चलो मैंने फिर से ट्रैप को सेट कर दिया, तो देखो ये आंटी ने मुझे स्पाइडर की भी दे दिया है। ये स्पाइडर की मदद से हम बेसमेंट वाले ढक्कन को ओपन कर सकते हैं। नहीं आंटी जी कहां से टपक पड़ी तुम यार, मैं शॉटगन भी उठा नहीं पाया। तो चलो यार घूम के जाते हैं शॉटगन के पास और फिर से इसका खोपड़ा खोल देते हैं। ग्रैनी की सर तो बारूद के गोला जैसा है यार, पर कोई ना हम फोड़ देंगे। ग्रैनी आ जाओ, तो निकल बे ग्रैनी। क्या हो गया यार ये? मैंने गोली भी चलाया था पर नहीं मर गया यार, ये हमारे साथ स्कैम हो गया, स्कैम हो गया दोस्तों। तो चलो मैं फिर से आ चुका हूँ, अब तो ये शॉटगन को फिर से रिलोड करते और यही पे फेंक देते यार, इसको बाद में उड़ाएंगे। ठीक है तो चलो हमने ढक्कन को भी ओपन कर लिया है, तो अब हम जाके इसको ड्राइवर को लेकर आते हैं यार नीचे, इसको ड्राइवर का कोई काम होगा तो बढ़िया होगा यार, हमें ऊपर तो नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमें कार स्केप करने के लिए फिलहाल तो बैटरी और गैसोलीन का जरूरत है। ठीक है तो मुझे अभी बेसमेंट में से ढूंढना पड़ेगा, बेसमेंट में मुझे क्या मिलता है देखते यार। यहाँ पर स्पाइडर मॉम रहती यार, तो देखो आगे से निकल गई स्पाइडर मॉम। हो ये तो कितने डरावनी है यार, ये तो ग्रैनी से भी ज्यादा डरावनी है। ठीक है तो मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, देखो मुझे यहाँ पे बैटरी मिल चुका है, इसे लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाते यार, नहीं तो ये बैटरी भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, स्पाइडर मॉम मेरे पीछे लग गई। तो चलो दोस्तों बाहर जाने का रास्ता यहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है मैं पीछे से कैसे हट जा रहा था यार, तो अभी हमें कार स्केप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गैसोलीन का जरूरत पड़ने वाला है, पर वो हमें ऊपर के साइड से ही मिलने वाला है। ठीक है तो चलो यार यहाँ से निकल जाते हैं, अब हमारा बेसमेंट में कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। पर दोस्तों ग्रैनी एक बार मेरे हाथ लग जाए मैं इतना मारूंगा। नहीं यार मैं मजाक कर रहा था ग्रैनी, तूने तो मुझे सच में मार दिया, मैं मारने की बात कर रहा था यार, उल्टा मुझे ही मार दिया ग्रैनी ने। तो मैं फिर से आ चुका हूँ, तो ग्रैनी गोली खाने के लिए तैयार है, इसका सर पे मारे क्या? तो चलो आ जाते पास में। नहीं यार फिर से मैं मर गया, क्या यार मैं खुद ही मर रहा हूँ यार, ऐसा होता है क्या? हो बोले यार मैं ग्रैनी को चांस दे रहा हूँ, तुम लोग ऐसा होता मत सोचना यार मुझे, मैं बहुत डेंजर बंदा। निकलते ग्रैनी, ये फिर से मुझे पकड़ने के लिए आ रही थी, तो मैंने
घूमते फिरते ग्रेनी को सुला दिया यार, तुम्हारा भाई प्रो है तो चलो इस बैटरी को लेकर कार के पास जाते और कार में फिट कर देते ठीक है। तो चलो यार हम फिर से ग्रेनी को मारने की तैयारी करते है, तो पहले शॉटगन को रिलोड करना पड़ेगा यार। अब तब तो ग्रेनी भी उड़ चुकी होगी यार, एक मिनट कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता यार। तो ग्रेनी आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा सर पे गोली मारूंगा रे मैं, तो कोयले का खान आ जाओ ग्रैंडपा को भी बुलाना है तो बुलाओ यार, मैं किसी से नहीं डरता, मैं दोनों को मार दूंगा एक साथ, पर यहाँ पर ग्रैंडपा नहीं आ सकता। तो देखो ग्रेनी को तो मैंने मार दिया, अब जाके गैसोलीन को लेकर आते है, तो गैसोलीन यहाँ पर पड़ा हुआ है यार, इसको मैंने पहले ही देख लिया था। तो दोस्तों अभी हम गैसोलीन को फिल कर रहे है यार, तो अब हम यहाँ से भागने वाले है, फाइनली हमने गैसोलीन को भी फिल कर दिया, तो अब हम यहाँ से निकलने वाले दोस्तों। तो चलो यार तुम्हारा भाई अब ग्रैनी के घर से हार्ड मोड में भी कार को एस्केप करने वाला है यार, तुम लोग तुम्हारा भाई को ऐसा वैसा मत समझना। तो दोस्तों यार तुम लोग अगर अब तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी मार दो यार, और चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो। तो देखो यहाँ पर ग्रैनी क्या कर रही है, ग्रैनी दादी बाय बाय फिर से मिलते हैं ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो भी बोला याद रखना यार, चैनल को लाइक और मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।